ठीक है क्यों चलो लिखने होंगे। ददाज धनबाद जिला के भोरा क्षेत्र में आप आए 12 नंबर क्षेत्र में, तो भोरा आने के दौरान आप क्या कुछ देखा, भोरा के लोगों को क्या कुछ कष्ट है, क्या कुछ देखे इस गांव के अंदर? सबसे पहले सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड। 16 तारीख के हम यहाँ आए रहिए सुरेश चंद्र महतो के जयंती में और साथ में जहाज टैंड में जो ग्रामीण आंदोलन करा लो ओकर समर्थन दिए हम इन 16 तारीख कह रहे और टाइम है हम इनके दिलीप दाई सब सब कह के कि यो इतनी घटना घट रहे हल्का हम इन घर सब के देख के करे तखन हम स्पष्ट कह के करे कि 4-5 दिन 10 दिन 1 सप्ताह के अंदर फिर एबो ओकर बाद हम इन आके बैठ के बात करब ओकर बाद तोनिक लड़ाई के हम इन आगू लड़ब और चलते आज फिर हम एलिए और विश्वास के साथ कहे हो कि जोन तेरी यकीन के घर के मंजर है अगर हम इन के घर रहते लो हम इन घर छोड़ के भाई की तनी इतना डर के साया में इतना खौफ के साया में ये सब रहा हती कोई भी कम 100 मीटर 100 मीटर का दूरी देख। एक चीज हमर मानना हो कि कोई अगर आउट ओपन कास्ट ये कहे कि बगल में भोरा 4 नंबर फेज में ओपन कास्ट चल रहा तो कहीं ना कहीं गांव इतना सामने है ओपन कास्ट जोन तेरी धीरे धीरे इधर बढ़ाए रही गलत है, ये नीति के खिलाफ है, BCCL के रूल के खिलाफ है और सबसे बड़ा कि गांव का ग्रामीणों का एकदम अनहित है, एकदम खिलाफ है। और यहाँ कहीं ना कहीं कोई कंपनी हो, देखिए हमारी लड़ाई BCCL से है तो कहीं ना कहीं BCCL प्रबंधक भौरा GM को ये तय करना चाहिए कि कोड़ते कोड़ते आप हमारा गांव नहीं हमारे घर के पिछवाड़े तक आ गए, कहीं ना कहीं ये गलत है। आज स्थिति ये बन गया है कि आपके ब्लास्टिंग से हमारी घर टूट रहा है, दरार पड़ रहा है, धस रहा, इसके जिम्मेदार पूरी तरह BCCL है और इसी के लिए आज हम लोग आए हैं। और एक चीज़ बता दे रहे सब भाई लोग को कि जिनका भी घर टूटा है, एक हम लोग नॉर्मल नाम लिखवाए हैं, जाकर छूटल हो तो वह लिखा सकल है और आज हमीन अपन लेटर पेड में एकरा हमीन GM को सौंपे और एकिन के एकदम मुआवजा खातिर एकिन के घर कैसे मरम्मत हो इसके खातिर आंदोलन तेज करेंगे। आप कह रहे हैं कि BCCL से आपकी लड़ाई है लेकिन यहाँ जो आउटसोर्सिंग काम कर रही है वो हैवी ब्लास्टिंग करती है, जो कोई भी अगर रहती इलाका हो या रहसी इलाका हो घनी आबादी क्षेत्र वहाँ एक नियम होता ब्लास्टिंग करने का, उसको ताक पे रख कहीं ब्लास्टिंग किया जाता है तो कहीं ना कहीं आगे आउटसोर्सिंग भी मिली हुई है। दादा एक चीज़ जान लीजिए, बिना आउटसोर्स कंपनी का मिली भगत या BCCL का बिना मिली भगत में जिस एरिया में ब्लास्टिंग होता है उसका एक रेंज नापा जाता है कि कितने स्पीड हो, क्योंकि बगल में गांव है, अगर छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरत है तो कहीं ना कहीं उनका जान माल का क्षति ना हो इसके लिए वो मापा जाता है। लेकिन इसको जिस तरह खुला छूट दिया गया है कि भैया आप हैवी ब्लास्टिंग कीजिए, घर टूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं जान लीजिए कि पूरी तरह से आउटसोर्स कंपनी से मिला हुआ, इस बात से कोई नकार नहीं रहा। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है और एकदम मांग भी रहेगा कि हैवी ब्लास्टिंग इस एरिया में ना करें, क्योंकि हमारा घर टूट रहा है, घर क्षति हो रहा है और अगर इसकी बात को नहीं माना जाता है तो विश्वास के साथ आज आप लोग को हम फिर से बोल के जाना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोग भौरा GM के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे और सिर्फ भौरा फेज 4 नंबर ही नहीं, चासनाला के तरफ भी जो एक ओपन कास्ट है, दोनों पूर्ण रूप से बंद रहेगा जब तक रेत की मांग माना नहीं जाएगा, हमारा घर मरम्मत नहीं होगा और जब तक रेत का सारा मुआवजा पैसा नहीं मिलेगा हम लोग दोनों को चलने नहीं देंगे। और एक चीज़ जान लो कि जमीन माँ माटी मानुष के सम्मान के लिए अगर आखिरी खून का कतरा तक भी देना पड़े तो हम लोग सब दे देंगे, दे दीजिएगा ना, लड़िएगा ना, अपने लिए लड़िएगा ना, आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे क्योंकि हमारा पूर्वजों ने अपनी खून पसीना से जमीन बचाया, हम लोग किसी को भी ऐसे लंगा नाच करने नहीं देंगे कि हमारा घर टूट जाए, हमारे लोग बेघर हो जाए, हम लोग लड़ेंगे। BCCL कह रहे कि हम इनको क्वार्टर दे रहे हैं, ये लोग खुद नहीं जाना चाहते। देखिए दो चीज़ आपको, एक चीज़ समझना होगा कि आप क्वार्टर किस चीज़ में दे रहे हैं, आपने कभी बैठक किया, आपने कभी ग्राम सभा किया, आप ग्राम सभा करिए, लोगों से राय लीजिए, लोगों को बताइए कि आप इन लोगों के लिए चाह रहे हैं भलान, भविष्य में ये प्लान है, आपकी ये सुविधा है, आप नहीं कर रहे। अगर BCCL चाहती आज महीना भर से ज़्यादा घर टूटा हो गया, फुलकने वाला आदमी नहीं, क्या चाहती है BCCL, हम लोग अपने घर पे दब के मर जाए, अपने घर के ऊपर अपना दीवाल गिरा ले और उनका काम आसान हो जाए? कहीं ना कहीं सुन लीजिए, BCCL का मनसा कभी रहतों के प्रति नहीं है। आज जितना जमीन में वो माइंस के लिए लिया है उससे 4 गुना जमीन कोड़ रहा है। अगर BCCL का 12 एरिया का बात करिएगा,
1.5 लाख 1000 करोड़ रुपया बाकी है रैयत का, ये चुका नहीं पाएगा। इसलिए आज के डेट में बीसीसीएल हर चीज को आउटसोर्स के तहत ले रही है। आज आउटसोर्स कंपनी में नौकरी भी आउटसोर्स दे रहा है। क्यों? हम आउटसोर्स कंपनी को जमीन दिए, हमने जमीन बीसीसीएल को दिया है। आज देख लीजिए केंद्रवाड़ी का बगल में भागाबांध में एक नई माइंस चालू होने वाला है, जिसमें हम लोग जोरदार विरोध किए हैं। वो माइंस रुक गई है। आज बता दे रहा आकाशदीप कंपनी है, वो कहता है आउटसोर्स में नौकरी करो, जमीन हमने बीसीसीएल को दिया, नौकरी हमें बीसीसीएल देगा, वार्ता हम बीसीसीएल से करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज बता दे रहे हैं, इन लोग जो मनसा पाल के हैं सब नशा उतार देंगे हम लोग, अगर हमारे लोग के खिलाफ इन लोग गया तो। और आने वाला समय बता दे रहे, हम झारखंड में झारखंडियों का है, और ये लड़ाई अपनी माटी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे। दादा देखा जाए तो यहाँ के लोगों को बीसीसीएल द्वारा नोटिस नहीं मिला होगा क्या? देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, अगर एक चीज आपको बता दे रहे, आपको जानकारी कम है अशोक बाबू इस एरिया पे, ये धमाके से हुई है, तो धमाका से हुआ है तो बीसीसीएल नोटिस देकर तो धमाका नहीं करवाएगा। लेकिन अगर किन्हीं को नोटिस मिला हुआ है तो उनसे वो वार्ता करें, हमारा स्पष्ट मांग है बीसीसीएल से, जिनका घर क्षति हुआ है उनको मरम्मत का पैसा दीजिए। अभी हम लोग वही बात करने जाएंगे, ये जो नोटिस ये लोग बनाए जिसका घर दरका है टूटा है, क्योंकि भैया आपके ब्लास्टिंग से बजे टूटा है तो आप हमको मुआवजा दीजिए। दूसरी बात, बीसीसीएल अगर किन्हीं को कहीं व्यवस्था देना चाहती है, बैठाना चाहती है, क्वार्टर देना चाहती है, उसके लिए गांव में आप मीटिंग करिए, बैठिए और सबको मिल के बोलिए दादा ऐसा हो रहा है, सबको आपके साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज हमारा घर गिर जा रहा है और आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग मजबूरन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, ना हम लोग पैसा वाला है, ना हम लोग माफिया है कि हम लोग चमका के धमका के आपसे ले लेंगे। हमारा एक ही अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए हैं संविधान, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बता के जा रहे हैं कि जिस भाषा में बीसीसीएल समझेगा हम लोग अब उसको उस भाषा में समझाएंगे, ये बात तय कर ले। यही बोल के जय झारखंड, जोहार झारखंड।